अमीरुल मोमिनी है आप, इमामुल मुर्सली है आप, अमीरुल मोमिनी है आप, इमामुल मुर्सली है आप, नबी ने जन्नत दी जिसे कहा सिद्दीके अकबर है आप, नबी ने जन्नत दी जिसे कहा सिद्दीके। आज मुझे जिस मौसमी सुगंध पर नबूशाही करने का मौका मिला है वो एक एहसास मुझे तमन्ना का मान लिया। सरदार खान 11 सितंबर 1948 का मंजर है, कोयटा के एयरपोर्ट से एक जहाज उड़ान भरता है और फिजाओं का सीना चीरता हुआ कराची में आता है। एक नई को जईफ मरीज को एम्बुलेंस में डाला जाता है, एम्बुलेंस रवाना होती है मगर रस्ते में खराब हो जाती है। बर वक्त तभी इमदाद मुयसर न होने की वजह से पूरी कौम भी नक्शे उभारने वाले की अपनी लगान होती है। इंसानियत को भारी जूतों तले रोने वालों, फिजा में बारूद को फैलाने वालों, तू कौन मैं कौन पर आपस में लड़वाने वालों, मरवाने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़ों टुकड़ों पर आग बरसाने वालों, एक हफ्ते में 150 लाशों को रोने वालों, खुदा के जिनके कदमों के लिए काबा फैसला। आज मुझे जिस मौजू पर लखनऊ करने का मौका मिला है उसका हमारे सीरत कर कर इस वतन को हासिल किया है। कितनी माओ ने अपने लगते जिगर खोए, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानियां दी, तब जाकर ये वतन हमें हासिल हुआ है। मगर अफसोस की आज और तो क्या किसी बेवा की हिफाजत होती, हमसे एक बात संभाला न गया तेरे बाद, हमसे एक बात हुई रात, एक मजबूर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को अहली सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती। जब उससे पूछा गया मेरी ममता तुझे सताएगी नहीं, इसकी सिसकियाँ तुझे रुलाएंगी नहीं, इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं, तो कपाते हुए भूतों से मजबूर माँ जवाब देती है, मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुसाइबे। कलम साहिबे इल्म होता है, वही सरफराज होता है, उसी का हुक्म चलता है, कलम ही की बदौलत इल्म हासिल किया जाता है। अगर चंगू का हथियार तलवार है तो साहिबे कलम और साहिबे इंसानियत की मेराज भी है, जरूरतमंद की हाजत उठवाई और दिलजोई और मेरे मदद की ताकीद भी है। जो शख्स जिंदगी भर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और दूसरों के काम आते हैं, उनकी मदद करते हैं, जिसने इस इदारे की बुनियाद रखी अल मुस्तफा एजुकेशन अकेडमी। देखने में तो ये सिर्फ इदारा नहीं होता, शायर मशरिक, शायर मिल्लत, फकीर इस्लाम और मुसफ़िर पाकिस्तान, कब्र अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सदर वो इकबाल जिसने पंजाब के नदवी के शहर सियालकोट में शेर नूर मोहम्मद के घर जन्म लिया। जब अल्लाह ताला किसी को अपना एहसान करता है तो इसे तोहफे में इकबाल जैसे पढ़ने का। दुनिया की सारी दवाएं एक जगह जमा किए जाए और सिर्फ राज्य शहर की पूरी आबादी बीमार पड़ जाए तो दुनिया की तबीयत तो कम पड़ जाएगी मगर बीमारों के इलाज मुफ्त में होगा। और वही दुनिया के सारे एटमी हथियार एक जगह जमा किए जाए और हथियारों से 3 बार पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, तब भी हथियार खत्म हो जाएंगे मगर कायनात